फंक्शन चल रहा है ना, इसलिए बात करने के लिए मैं तुझे यहाँ नहीं आई। तुझे बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? सॉरी बेटा, मेरी वजह से गया तुझे, नहीं तो मैं तुझे थप्पड़ मारा था, बहुत गलत किया था मैंने, सॉरी। नहीं तो अब चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तू यहीं रहेगा इसी घर में। नहीं जी, कैसा ये यहाँ पर नहीं रहेगा। क्या क्या कह रही हैं आप बाजी? ये यहाँ नहीं रह सकता। कहाँ रहेगा ये? हाँ, क्या आप जानते नहीं? ये घर जिज्ञासा का है और रणवीर जिज्ञासा का बेटा है, तो इस नाते ये कहाँ रहेगा? इसी घर में रहेगा ना? इसका घर है ये, रणवीर इसी घर में रहेगा। मैं जानती हूँ उसका भी घर है, लेकिन इसने जो कुछ किया है उसके बाद ये घर से कभी माफ नहीं कर सकता, कानून से माफ कर सकता है, लेकिन हम लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। कानून ने माफ कर दिया मेरे बेटे को, लेकिन आप माफ नहीं करेंगे इसे। क्यों? आप कानून से भी बड़ी हैं। वैसे भी मैंने आपकी राय पूछी नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा बेटा है और वो यही रहे, क्योंकि मैं आपके दोहरे असूलों की परवाह नहीं करूँ। मेरा बेटा 5 साल अपने गुनाह की सजा काट के आया है, 5 साल किसी अपराधी देश के साथ रह के नहीं आया है।
का सवाल है। उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता कि इस घर में रहे। और चाहेगा क्यों? इस घर की लाडली बहू ने जो उसे जेल में जाना, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बदले कर। विश्वास कीजिए आप, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हैं। दादी बस एक बार इन्हें माफ कर दीजिए। दादी मेरी खातिर, दादी संतोषी माने तो मेरी मुराद पूरी कर दी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पति मुझे लौटा दीजिए। प्लीज दादी, मेरी बेटी को उसके पिता से अलग मत कीजिए। माफ कर दीजिए उन्हें दादी, माफ कर दीजिए उन्हें। ठीक है बेटा, हम अपनी राशि को नहीं खो सकते। तुम यहां रह सकते हो राशि की वजह से, लेकिन बिना सोचे हमने तुम्हें माफ कर दिया। पानी में माफी के लायक नहीं, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत भी कहां से करूं। मैं तो माफी के लायक ही नहीं हूं पानी। माफी तो क्या, मैं तो जीने के भी लायक नहीं हूं। मैंने क्या कुछ किया तुम्हारे साथ, चुपचाप सहती रही। हमेशा तुमने मुझे प्यार दिया और मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे नफरत की। दक्ष ने मुझे सब कुछ बता दिया पानी। तुमने मेरी जान बचाने के लिए तक्ष की मदद की और मैंने समझा कि तुम बेवफा। तुमने मेरी बच्ची को पैदा किया, दुनिया से लड़कर अकेले उसकी परवरिश की, और मैंने क्या किया? तुम्हारी मदद करना तो दूर, मैंने सिर्फ तुम्हारी तकलीफें बढ़ाई। तुमने जो कुछ भी किया बानी मेरे बारे में सोचकर किया, और मैंने हमेशा सोचा कि तुम्हारी सोच ही गलत है। मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा बानी, कभी तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने मेरी घर को जिंदगी दी और मैंने हमेशा के लिए तुम्हें
बेघर करती है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बानी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुमको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है, अगर तुम चाहती हो तो कभी भी मुझे माफ मत करो, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज बानी, प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, प्लीज बानी। बानी मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ, लेकिन मैं अपनी नजरों से तुम्हें दूर नहीं देख सकता, प्लीज बानी, प्लीज प्लीज कम बैक टू। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज कम बैक टू। कोई किसी से प्यार करता है तो उसी से जुदा हो जाता है, कितनी बेबसी कितनी मजबूरी महसूस होती है मैं जानती हूँ। उस इंसान को खोने का डर क्या होता है ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब लक्ष्य के लिए महसूस करती हूँ, ये सब लक्ष्य के लिए महसूस करती हूँ, ये सब लक्ष्य के लिए महसूस करती हूँ। अपने बिल्कुल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता उसने आपसे झूठ क्यों बोला, शायद वो आपको इतने दर्द में नहीं देख सकता था। ये सच है कि गंगा आपकी की बेटी है, पर मैं और दक्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं। लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं और आप एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं, हमारी उम्र में कितना फर्क है मिस्टर वाले, और इसी फर्क की वजह से हमारे प्यार में भी फर्क आ रहा है। मुझे पता है ये सच्चाई सुनना आपके लिए कितना मुश्किल है, पर ये सच्चाई जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये आंसू बहाने थे तो मिस्टर वालिया के सामने ये नाटक क्यों किया? तुमने इतने साल उनका इंतजार किया, कितनी मुश्किलें सही, पर तुम्हारी इन आंखों में हमेशा ये उम्मीद थी कि एक दिन मिस्टर वाले को अपनी गलती का एहसास होगा, एक दिन वो पछताकर तुम्हारे इन पैरों में गिरेंगे और कहेंगे कि वो गलत थे। पर आज जब ये तो तुमने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, क्यों बानी, क्यों? क्योंकि अब मेरा मिस्टर वाले पे हक नहीं है दक्ष, मिस्टर वाले किसी और की, अब उनकी जिंदगी मीरा से जुड़ी है। हाँ दक्ष, इतने सालों में टूटे हुए तो मिस्टर वाले भी थे, पर जब मैं उनके साथ नहीं थी तब मीरा ने उन्हें सहारा दिया, वही मीरा जिसने मिस्टर वाले को अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी और औरत के साथ एक होने की इजाजत दे दी, मैं उनका एहसान कैसे भूल सकती हूँ? मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती दक्ष, अगर आज मैंने ये नहीं किया होता ना
तो मैं मीरा का एहसान कभी नहीं चुका पाती। जिस औरत ने मेरी बेटी को नई जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, मैं उसका एहसान कैसे भुला सकती हूँ दक्ष? मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती? मैं उसी के पति को नहीं छीन सकती। अपने घर को बसाने के लिए मैं किसी और का घर कैसे तोड़ू दक्ष? ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, पर उसके लिए मिस्टर वारिया के दिल में नफरत पैदा करने की क्या जरूरत थी? उनकी नजरों में गिरने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ऐसा करना जरूरी था दक्ष। अगर मैं अपने लिए मिस्टर वारिया के मन में नफरत पैदा नहीं करती तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। हमेशा खुद को गुनहगार समझते हुए वो कभी मीरा से प्यार नहीं कर पाती। मेरे लिए उनके दिल में नफरत ही मीरा के लिए प्यार पैदा कर सकती है दक्ष। मीरा को उसका प्यार मिलना ही चाहिए, उसे अपना हक मिलना ही चाहिए। शायद मेरी और मिस्टर वाले की किस्मत में यही लिखा था कि हम कभी एक ना हो पाए। मिस्टर वाले के दिल में तुमने अपने लिए नफरत पैदा कर दी, मगर तुम्हारे दिल में जो उनके लिए प्यार है उसका क्या करोगी तुम? प्यार तो हमेशा रहेगा दक्ष, प्यार कभी नहीं मिटेगा। सवालिया के दिल में मेरे लिए नफरत बन गई और मेरी आंखों में आंसू बन गए। अपने बिल्कुल सही सुन, मैं दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ। लोग बिल्कुल सही कहते थे, मैं और आप एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं? हमारी उम्र में कितना फर्क है मिस्टर वाले। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में। लव यू दक्ष। सांस लेना भर ही नहीं जा सकती पानी, प्लीज यू कांट ब्रेक दिस कनेक्शन, यू कांट गो पानी प्लीज। ये सुना था कि मर्द औरतों से बोर हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो औरतें भी मर्द से बोर हो जाती हैं। क्यों? क्या कह रहे हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे उम्मीद करना छोड़ दो मीरा, जैसे मैंने किया है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें उम्मीद से। बांजी तक्ष को ही चाहती है, आज भी वो तक्ष को ही चाहती है। कुछ पल के लिए मुझे लगा लेकिन नहीं, तक्ष को ही चाहती है वो।
जब भी मैंने दिल से फैसला लिया है मैंने चोट खा। पिछले कुछ सालों से मैं खुश था, जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने पैरों तले अपने दिल को दबा दिया था। तुम्हारे कहने पे फिर से दिल पे भरोसा किया मैंने और फिर से चोट खाया। अब तुमको जाना है, रुकना है, रुको, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता।